हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नैन्सी। नैन्सी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का अचार। 5 किलो आम लेके आए हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कितने कितने मसाला जाता है इस आम के अचार में। और इसको हम एक बार अच्छे से आम को धुल लेंगे साफ पानी से। मैंने एक बार धुला है, दूसरी बार धुल रही हूँ। और धुल के इसे हम 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, इसका पानी बिल्कुल निकल जाए, ताकि फिर उसके बाद हम इसमें मसाला दिखाएंगे कि कितना मसाला इसमें जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपने कर रखा है तो थैंक यू। आप इनको कैसे भी रख दीजिए, बस इन्हें सुखा अच्छे से फैलाइए, उसे 1-2 घंटे की धूप दिखा दीजिए। सूखने के बाद 5 किलो आम है टोटल। अगर हम इसे कहें तो हमने 5 किलो लिया था और कटवाने के बाद ये 4 किलो के करीब में कुछ था। और इसमें हम मिला देंगे धूप दिखाने के बाद नमक, 4 चम्मच टोटल नमक डल जाएगा। खूब अच्छे से नमक और हल्दी डालनी है और इसे रात भर छोड़ देना है गलने के लिए। आप चाहे तो इसे हाथ से खाएं या ऐसे इसे बिना हाथ लगाए मिक्स करें, तब भी ये सब पे मिल जाएगा। अब सुबह जब आप इसे देखेंगे तो ये नमक और हल्दी पानी छोड़ देगा, फिर हम इसमें धूप लगाएंगे और मसाला मिला के रखेंगे। और इसको हम रख देंगे रात भर गलने के लिए। खुश ये हमारे मसाले, सरसों और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, धनिया, अजवाइन, जीरा, सौंफ, मेथी और हींग। और इसमें जाएगा सरसों का तेल, जो गरम करके गुनगुना ठंडा करेंगे 1 किलो के करीब में। और ये हम सारी चीज़ों को अब भून लेते हैं। लेते हैं ये जीरा स्लो आंच पे और सौंफ, इसको हल्का भूनेंगे, बस हल्का सा महक आने लगे रोस्ट होने के लिए। बाकी इतना नहीं भूनेंगे कि इसमें से इसका तेल छोड़ दें मसाले सारा। तो ये अब हमारा भुन गया है, तो हम पीस लेंगे दरदरा। ये अजवाइन, और इसको भी हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। आप हमारे अजवाइन को देख सकते हैं, ये भी रोस्ट हो चुका है। इसमें से पीसेंगे मेथी। मेथी हम लेंगे थोड़ी मात्रा में, क्योंकि मेथी से टेस्ट के लिए उसके लिए डाली जाती है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए मेथी हम थोड़ा लेते हैं। अब हमारा सरसों भी हो गया है, देख लीजिए चटकने की आवाज़ आ रही है। बस लाल मिर्च भून लेते हैं हम थोड़ा। अब ये आप देख रहे हैं मेरे सारे मसाले जो हो गए हैं, और इनको हम मिक्सी में दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने डाल दी इसमें 1 डब्बी, समझ लीजिए पूरी हींग एमडीएच, और इसको भी हम कर देंगे ग्राइंड। ये देखिए ये भी हमारा पिस गया। ये हमारा तेल, इसको हम करेंगे बढ़िया से गरम, और गरम करके फिर ठंडा। पहले भी नमक पड़ा था, इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और ये हमारा काला नमक है, हम इसको धूप दिखाएंगे, डब्बे में डाल देंगे। तो फिर ये देखिए हमारा अचार जो हमने डाल के रखा था। और अब हम इसमें ये तेल डाल देते हैं, क्योंकि तेल में ये अचार वैसे डूबा ही रहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। जा रहा है, एक बार हम इसको चला देते हैं। ये अचार हमारा तेल में अच्छे से डूब गया है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रख दीजिए, 2 साल, 5 साल, 6-7 साल, 10 साल तक आपका अचार कहीं नहीं जाएगा।